नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर और मैं हूं आपके साथ मानसी अरोड़ा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिजली संकट से जूझ रहे फरीदाबाद के लोगों ने बीपीटीपी पुल पर जाम लगाया। लोगों में इस बात का गुस्सा दिखाई दिया कि बिजली दिन में कई बार बंद कर दी जाती है और घंटों तक गुल रहती है, जिससे आम जनमानस को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गर्मियां शुरू होते ही बिजली संकट गहराने लगता है, चारों ओर बिजली किल्लत होने लगती है। जून के महीने की भीषण गर्मी में बिजली चली जाए तो लोग तड़पने लगते हैं। गर्मियों के सीजन में फरीदाबाद का पारा काफी बढ़ जाता है, इसलिए इन दिनों बिजली चला जाना काफी कष्टदायी होता है, लिहाजा लोगों का गुस्सा विद्युत विभाग पर फूट पड़ता है। इस संकट से जूझ रहे फरीदाबाद के लोगों ने बीपीटीपी पुल पर जाम लगा दिया और रोड पर ही धरना दे दिया। प्रशासन ने धरना दे रहे लोगों को उनकी समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया, उसके बाद ही जाम खुला। बिजली से क्या क्या दिक्कत हो रही है हमें? क्या क्या दिक्कत हो रही है जो बताएंगे? बिजली से हमें दो दो बजे तक लाइट नहीं आती, कट मारती है, और कट मारने के चक्कर में सुबह ड्यूटी को लेट हो जाते हैं। ड्यूटी एक बेरोजगार का देश है। कितना टाइम से काम हो रहा है? एक साल से हो रहा है, बल्कि पहले भी जाम लगाया था 5 साल। आपने कोई एप्लीकेशन दी थी? जाम कर दिया। गर्मी हो या बरसात या फिर सर्दी, सरकार को इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए पहले ही तैयार रहना चाहिए। अगर समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो जनता का गुस्सा फूटना भी लाजमी है। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश प्रदेश की और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए राष्ट्र खबर। नमस्कार।